बैग में शराब लेकर घर जा रहा था बिहार पुलिस का जवान। दुर्घटना के बाद सड़क पर बिखर गई बोतलें। बिहार के वैशाली जिले के महुआ में पुलिस का एक जवान अपनी बाइक से जा रहा था महुआ पातेपुर सड़क मार्ग के जिरवारा गांव के पास। जवान की टक्कर हो गई जिससे पुलिस का जवान सड़क पर गिर गया। सड़क पर गिरते ही जवान के साथ उसका बैग भी सड़क पर गिर जा रहा है। पुलिस वाले के बैग में शराब की बोतलें भरी थी जो सड़क पर बिखर गई। ग्रामीणों में पसरा था अनहोनी का खौफ। बिहार के इस गांव में आखिर 5 साल बाद लगा धान। नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ से 9 किलोमीटर दूर भागन बिघा गांव है। यहां के अधिकतर लोग खेतीहर है लेकिन अनहोनी का डर ऐसा कि 5 साल से धान की खेती से ही तौबा कर ली। इस साल यहां के लोग ने फिर से धान की खेती शुरू की है। यह सब संभव हो पाया स्वयं हरिहर महतो के पोते शिक्षाविद पवन कुमार के प्रयास से। सोमवार को पहले पूजा की गई उसके बाद धान रोपनी। फिर क्या था, गांव के अन्य किसान भी ट्रैक्टर लेकर खेतों में उतर गए। दरभंगा में सड़क हादसे में मरा युवक, मचा कोहराम। उजियारपुर प्रखंड के अंगारा घाट थाना के सुपौल गांव के जयकिशन साहू के पुत्र रतन कुमार साह 27 वर्ष की दरभंगा में बुधवार को सड़क हादसे में मौत हो गई। दरभंगा से घर पर शाम में जैसे ही लाश आई परिजनों के चीत्कार से कोहराम मच गया। परिजनों ने बताया कि दरभंगा के सैद नगर के पास युवक नाश्ते की छोटी सी दुकान चलाकर जीव को पाचन करता था। बुधवार सुबह एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई जिसकी चपेट में रतन और उसकी दुकान आ गई। मृतक की पत्नी और एक लड़का और एक लड़की के साथ दरभंगा में रहकर दुकान चलाता था। वोटिंग से पहले मतदाताओं को हटाना होगा अपना मास्क। ईवीएम का बटन दबाने से पहले पहनना होगा ग्लव्स। आयोग ने ऐसा पोलिंग बूथ पर कोई विवाद ना हो इससे बचने के लिए ऐसा किया है। इसके साथ ही हर पोलिंग बूथ पर वोटिंग से पहले मतदाता को एक जोड़ी ग्लव्स दिए जाएंगे जिनका इस्तेमाल वोटिंग के दौरान ईवीएम मशीन का बटन दबाने के लिए किया जाएगा। ऐसा कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किया गया है। वोट डालने के बाद मतदाताओं को अपना हैंड ग्लव्स उतार कर निर्धारित कूड़ेदान में डालना होगा। हर साल बाढ़ से बेबस हो जाता है बिहार। तिनकों की मानिंद बिखर जाते हैं आशियाने। बिहार में हर साल बाढ़ का खौफनाक मंजर नजर आता है। ये एक ऐसा अभिशाप है जिसे कई पीढ़ियां झेलती आ रही है। एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां आशियाना तिनकों की मानिंद बिखर जाता है। लाखों लोग दाने दाने को तरसने लगते हैं। मेहनत से पाई पाई जोर कर तैयार किए घिरौंदा आंखों के आगे पानी में समाने लगता है। अपनों से बिछड़ने की बेबसी यहाँ के लोगों के चेहरे पर पढ़ी जा सकती है। दरअसल ये एक ऐसे सपने के टूटने की सिसकी भरी कहानी है। इस दौरान बिहार के एक बड़े इलाके में हर तरफ हाहाकार नजर आती है। हकीकत ये है कि इन दिनों बिहार शौक में डूबा नजर आ रहा है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दरभंगा बाजार।